बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ डिविजिबिलिटी ट्रिक फॉर लर्निंग मैथ डिवाइडिंग बाय सेवन। यानी सेवन से डिवाइड करना आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो थोड़ा सा ट्रिक से कर लेते हैं। कैसे करते हैं ट्रिक से, थोड़ा सा इंजॉय करके इसको सीख लेते हैं कि सेवन से कोई नंबर डिवाइड होने वाला है या नहीं है, यानी कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं। स्टेप नंबर वन, टेक द लास्ट डिजिट इन अ नंबर। ओहो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया 357, उसका लास्ट डिजिट, ठीक है, कोई भी लास्ट डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या था, सेवन, सेवन है ना, इसको ले लेंगे। सेकेंड स्टेप, दो ही स्टेप हैं, डबल एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट इन योर नंबर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिजिट। क्या करेंगे, 357 जब हमने सेवन लिया उसका डबल कर लें 14, सेवन का डबल क्या होता है 14। और अब हमने क्या किया है, डबल द सेवन टू गेट 14, देन सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 35 टू गेट 21। जो आपके पास 21 आंसर आया है, तो क्या ये 7 के टेबल में आता है? यस, 7 के टेबल में 21 आता है। इसका मतलब है जो हमारा बड़ा नंबर था 357, वो भी 7 से डिवाइड, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया, फर्स्ट कोई भी नंबर है 357, हमने नंबर लिया उसका लास्ट डिजिट, उसको डबल किया, उस डबल को जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर था, जैसे कि 35, सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 35 टू गेट 21, ठीक है। एंड 21 मींस व्हाट? यस, 21 मींस इट इज़ डिविजिबल बाय 7, एंड नाउ वी कैन से दैट 357 इज़ डिविजिबल बाय 7। एक और एग्जांपल से चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को ये कितना समझ में आया। बहुत आसान था, दो स्टेप थे। चलें एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, 478 द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को हमने क्या किया, डबल कर लिया, 8 का डबल हो गया 16। अच्छा, अब क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 47, क्योंकि 8 तो हमने डबल कर दिया था, बाकी रेस्ट ऑफ द डिजिट जो हैं वो हैं 47। सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 47, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 31, ठीक है। 31 क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। इसका मतलब है 478 भी 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, टेक द लास्ट डिजिट इन अ नंबर 896, 6 का डबल क्या हो गया 12, 6 का डबल है 12। अब हमने क्या करना है, 12 को कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, 89 से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 89 टू गेट 77, 77 आंसर आया मेरे पास। तो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 77, इट इज़ डिविजिबल बाय 7। नाउ वी कैन से दैट 896 इज़ डिविजिबल बाय 7, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 77 7 के टेबल में कंप्लीट आता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 7 11 77 होता है, इट मींस 896 भी 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल था ना, कुछ भी नहीं करना था। कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट एक ले लिया, उसका डबल कर दें, और जो डबल करके जो आंसर आया उसको बाकी में से माइनस कर दें, तो देखते हैं कि जो आंसर हमारे पास आ रहा है क्या वो 7 के टेबल में आता है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड है 7 से, अदरवाइज़ ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएंगे। थैंक यू सो मच। वैसे ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आपको 3-4 प्रैक्टिस करके मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। 3-4 नंबर ले लें, कोई भी नंबर, 234, 453 कोई भी नंबर ले लें, उसको 7 से डिवाइड करने की प्रैक्टिस कर लें, और साथ साथ उसको कैलकुलेटर से चेक भी करते जाइएगा। थैंक यू।